नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नवभारती स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रेमलता आज आपको साइकोलॉजी की जो शाखाएं हैं, जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र और प्रकृति के बारे में बताया था। जब मनोविज्ञान का क्षेत्र और प्रकृति के बारे में हम अध्ययन कर चुके होते हैं तो उसकी शाखाओं के बारे में जानकारी होना भी स्टूडेंट्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम मनोविज्ञान की नींव जमाने जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, एक दो नहीं होती हैं स्टूडेंट, 17 शाखाओं का वर्णन मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। आज की मेरी जो क्लास है उसमें मैं आपको मनोविज्ञान की 11 से 12 शाखाओं के बारे में, उनका अध्ययन क्षेत्र क्या है, इन शाखाओं का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट जो 5 से 6 जो शाखाएं बचेंगी वो थोड़ी विस्तृत हैं, बड़ी हैं, उनका क्षेत्र, शाखाओं का क्षेत्र काफी बड़ा है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपके समक्ष सारी चीजों का वर्णन करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मनोविज्ञान की शाखाओं को जानना और समझना इतना ही आवश्यक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि मनोविज्ञान अपनी जीवन जिंदगी को जीने की जो कलाएं हैं, उसी तरीके से हमें मनोविज्ञान की प्रत्येक कला, प्रत्येक शाखा, क्षेत्र, प्रकृति के बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 12 शाखाएं, इनका अध्ययन क्षेत्र। तो पहली शाखा हमारी, पहले तो हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स की मनोविज्ञान है वो जो पशु पक्षी प्राणी जो होते हैं, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, उसके व्यवहार और उसके सिद्धांतों का जो अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान की श्रेणी माना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, 16वीं सदी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से लिया गया था और मनोविज्ञान आज इतना बड़ा अपना कार्य क्षेत्र बना चुका है कि वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और पढ़ना और ना पढ़ना वो एक अलग चीज है, लेकिन साइकोलॉजी को जानना और समझना, प्रत्येक मनुष्य जाति को, प्रत्येक प्राणी वर्ग को जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए स्टूडेंट्स, विलियम्स बुंट जो थे, उन्होंने जो प्रयोगशाला बनाई, वहाँ पे वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किए हैं वो एक प्राणी पे ही नहीं, प्राणी तो किए ही हैं, एक मानव पे ही नहीं किए हैं, पशु पक्षी और मानव सभी के व्यवहार और सिद्धांतों का वहाँ प्रयोग किया है। उनसे आंकड़े कलेक्ट करके कुछ मनोविज्ञान वैज्ञानिक हैं वो भविष्यवाणियाँ भी तय करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम भी कुछ इसी तरीके की कार्य आज यहाँ पे करने वाले हैं और मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में जानने वाले हैं। तो मनोविज्ञान की जो शाखा है उसमें पहली शाखा यहाँ पे होगी, तो उसका नाम है सामान्य मनोविज्ञान, यानी कि नॉर्मल साइकोलॉजी। नॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होता है, नॉर्मल साइकोलॉजी का जो अध्ययन क्षेत्र है स्टूडेंट्स वो होता है कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उसके अनुभव और परिस्थितियों का जो अध्ययन किया जाता है वो सामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सेकंड है असामान्य मनोविज्ञान, यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है वो असामान्य व्यक्तियों के लिए उसके अध्ययन किए जाते हैं। असामान्य व्यक्ति में देखिए स्टूडेंट, शारीरिक रोग ग्रस्त, बुद्धि के कमजोर व्यक्ति और जिसमें शारीरिक दोष युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर ये असामान्य जो एबनॉर्मल जो आपकी साइकोलॉजी है उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है, तीसरी शाखा है वो है बाल मनोविज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, बाल मनोविज्ञान का इस शिक्षण के क्षेत्र में अध्यापक बनने की प्रेरणा जो हमें साइकोलॉजी से मिलती है उसमें सबसे जो बड़ा मान्य जो साइकोलॉजी मानी गई है वो बाल मनोविज्ञान की मानी गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स बालक की साइकोलॉजी को समझना एक टीचर का अहम कार्य होता है, यानी कि जब तक टीचर बालक की साइकोलॉजी को नहीं समझता है तो उसको शायद पढ़ाने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। तो उसी के लिए बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की तीसरी श्रेणी, देखिए तीसरी शाखा, पहली शाखा क्या थी सामान्य मनोविज्ञान यानी कि नॉर्मल, और नेक्स्ट थी असामान्य एबनॉर्मल, और थर्ड है बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड जो साइकोलॉजी है उसके बारे में तीसरी शाखा बनाई गई है। चौथी शाखा है किशोर मनोविज्ञान।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बाल मनोविज्ञान है, ये बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था की जो बालक की जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उनके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान में आता है। किशोर मनोविज्ञान, किशोर अवस्था हम किससे मानते हैं? 13 से 18 वर्ष की आयु। देखिए स्टूडेंट्स, 18 वर्ष की आयु हमें फिक्स नहीं कह सकती क्योंकि प्रत्येक मनोविज्ञान का अलग अलग मत होने के कारण इसे हम 13 से 21 यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 13 से 18 डॉट 21 यानी इस क्षेत्र के अंदर आप किशोर मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। जितनी भी एक्टिविटी बालक की यहाँ होती है 13 से 18 से 21 वर्ष की आयु में उसे किशोर मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तिक मनोविज्ञान वह होता है जब व्यक्ति स्वयं की पर्सनल परिस्थितियों में कुछ कार्य करने की क्षमताओं से ग्रसित होकर कुछ चीजें सीखता है, वो व्यक्तिक जो उसकी साइकोलॉजी होती है यानी कि पर्सनल जो साइकोलॉजी होती है उसे माना गया है। नेक्स्ट है समाज मनोविज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, पहली क्लासों में भी कुछ कुछ चीजें देखिए, अगर हम पहली वीडियो को लगातार देखते तो आज हमें इतना अच्छे से ये समझ पाते कि ये सारी चीजें उन्हीं से लिंक हो रखी हैं जो पहली 8 वीडियो आपको मैंने साइकोलॉजी की भेजी है। देखिए मैंने बताया था समाज मनोविज्ञान है कि सोशल जो साइकोलॉजी होती है बच्चे की वो किस तरीके से होती है। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल साइकोलॉजी यानी कि बच्चा जो किशोरावस्था में परिपूर्ण कर चुका होता है यानी कि 21 वर्ष की आयु में, मैं मान लेती हूँ 18 से 21 वर्ष की आयु के बाद सोशल एक्टिविटियों में उसका भाग लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वो सोशल यानी कि समाज से भी जुड़ना शुरू कर देता है तो उसकी शाखाएँ समाज जो मनोविज्ञान है उससे ग्रसित एक तरह से हो जाती है यानी कि उनसे वो घिर जाता है, उससे उसे कैसे एडजस्ट करना होता है, कैसे निकलना होता है, ये सारी चीजें हमें कौन पढ़ा रहा है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की प्रत्येक शाखा क्या कहती है ये चीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, बार बार आप इसके अध्ययन क्षेत्र को पढ़िएगा क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी की शाखाओं का महत्वपूर्ण पार्ट है। 17 शाखाएं मानी गई हैं। इन 17 शाखाओं में किस किस तरीके से प्राणी जगत में साइकोलॉजी को माना गया है। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार मैं प्राणी शब्द यूज करती हूँ क्योंकि जिसके अंदर प्राण हो उन्हीं के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। किसके अंदर? साइकोलॉजी के अंदर। पशु मनोविज्ञान, अब यहाँ आता है स्टूडेंट पशु मनोविज्ञान यानी कि पशु कौन होते हैं, कार्य क्रियाएं उनकी भी मानव की तरह, मानव के प्रकार, मानव जैसी ही मानी जाती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पशु हैं वो सिर्फ अपनी वॉइस नहीं निकाल सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन हाव भाव और इशारों से जो आपको समझाते हैं, जो उनसे क्रियाएं हाव भाव से की जाती हैं वो पशु मनोविज्ञान के अंदर मानी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 7 प्रकार की साइकोलॉजी को यहाँ पे पढ़ा है। इन 7 प्रकार की साइकोलॉजी में हम जो हमारा ये एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है यानी कि प्रयोगात्मक विज्ञान, प्रयोग हम पशु पक्षी मानव किसी के भी ऊपर जो हम प्रयोग करते हैं, जिससे हम आंकड़े कलेक्ट करते हैं, उसी से हम उसकी साइकोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। मानव मस्तिष्क की जटिल क्रियाओं का, मानव मस्तिष्क की जितनी भी जटिल क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन यहाँ आता है। किसमें आता है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में। नेक्स्ट आता है हमारा उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान। उत्पत्ति मूलक शब्द थोड़ा कहते हैं कि ऐसा सुनने का में नहीं आता है, उत्पत्ति मूलक कुछ अलग सा वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो उत्पत्ति मूलक होता है वो व्यक्ति तथा प्रजाति और उनके क्रमिक विकास का अध्ययन है। क्या है? व्यक्ति तथा प्रजाति और उनके क्रमिक विकास का अध्ययन है उत्पत्ति मूलक। ये आपको आप ये कहते हैं ना टफ वाली चीज, जो कठिन और जटिल वाली चीज होती है वो अक्सर पूछी जाती है, तो ये वाला आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है तो इसको आप उत्पत्ति मूलक यानी कि जो मनुष्य की ये कहते हैं व्यक्ति तथा प्रजाति और उसके क्रमिक विकास का जटिल अध्ययन, उत्पत्ति मूलक जो आपकी साइकोलॉजी है उसको कहा जाता है, यानी कि वैसे इसको जेनेटिक साइकोलॉजी भी
इंग्लिश वर्ड इसका है जेनेटिक्स, साइकोलॉजी से माना गया है। विकास मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो होती है स्टूडेंट्स, अध्ययन और क्रमिक विकास के कारणों का, अध्ययन और क्रमिक विकास के कारणों का विश्लेषणात्मक तथा व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत विकास और तुलनात्मक जो अध्ययन इसके अंदर किया जाता है वो हमारी है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तुलनात्मक अध्ययन करने से साइकोलॉजी को अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि हम जब किसी से किसी की तुलना करते हैं तो तुलना करने में कहीं किसी की कमियां और कहीं किसी की अच्छाइयां उभर के आती हैं, जिससे जो क्रिया प्रतिक्रिया है वह बहुत बखूबी ढंग से यहाँ निभाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान है यानी कि बच्चे का जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है, वो फिजिकली जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके की है, इस तरीके का अध्ययन हम कौन सी शाखा के अंदर करते हैं? बारहवीं शाखा हमारी कौन सी है? शारीरिक मनोविज्ञान यानी कि फिजिकल साइकोलॉजी जो है हमारी। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार मैं आपको कड़ी यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन शाखाओं का करा रही हूँ। शाखाओं का 17 शाखाओं का क्रम है वो इसी प्रकार से होगा। कैसे? पहले आप इन शाखाओं को क्रम से अध्ययन करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चनरी इस तरीके से भी पुटअप की जा सकती है कि 17वीं शाखा के अंदर क्या था, 12वीं शाखा जो आपकी मनोविज्ञान की 12वीं शाखा है उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सी है, तो हम 12वीं शाखा है अगर हमने पढ़ी है तो हम तुरंत उसको बताएंगे कि शारीरिक मनोविज्ञान है। फिजिकल जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारी 12वीं शाखा मानी गई है। हमसे पूछ लिया जाए कि साइकोलॉजी के अंदर शाखाओं में 3री शाखा कौन सी है, तो हम 3री शाखा, अब हमने साइकोलॉजी की शाखाओं का अध्ययन ही नहीं किया तो हम 3री शाखा नहीं बता पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट 3री शाखा देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि बाल मनोविज्ञान है मेन जो मनोविज्ञान है, जो आपके टीचर बनने की क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर है। बाल चाइल्ड साइकोलॉजी 3रे स्थान पर है, 1st स्थान पर आपको दी गई है सामान्य साइकोलॉजी यानी कि नॉर्मल साइकोलॉजी, 2nd है एबनॉर्मल, 3rd है चाइल्ड साइकोलॉजी, 4 है किशोर मनोविज्ञान, 5th है व्यक्ति जो अपनी पर्सनल होती है समाज यानी सोशल मनोविज्ञान होता है 6th में, और 7वां है पशु मनोविज्ञान जो पशु पक्षी और मतलब प्राणी जगत से जो साइकोलॉजी होती है वो होती है, फिर होता है हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। देखिए स्टूडेंट, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में को भी कई बार पूछा जाता है, ये आपकी 9 नंबर की शाखा है, वो है विश्लेषणात्मक साइकोलॉजी। फिर है उत्पत्ति मूलक साइकोलॉजी जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और विकास जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है वो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शारीरिक मनोविज्ञान यानी कि 12 शाखाओं का अध्ययन आज हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 शाखाओं के अध्ययन क्षेत्र यहाँ लिख करके, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वही इनका अध्ययन क्षेत्र है, इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन आगे जो 5 जो शाखाएं हैं उनके अंदर कुछ ज्यादा एरिया कुछ ज्यादा क्षेत्र दिया हुआ है, वो आपको अध्ययन क्षेत्र के साथ मैं यहाँ पे अध्ययन करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स ये 12 साइकोलॉजी के जो पार्ट हैं, शाखाएं हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शाखाएं, प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषाएं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन किए जाते हैं, सत्य और असत्य में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ना पढ़ते हुए भी ना सोचते समझते हुए भी उन्हें हमें करना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाना चाहूंगी स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, यदि समझाने की क्रिया आपको अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपके पास नए से नए अपडेट आते रहें। धन्यवाद।